हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BSCB बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जियोग्राफी। ठीक है दोस्तों, जियोग्राफी के जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, कृषि से जितना भी आपका इस वीडियो में मिलेगा पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। और आज की इस वीडियो में दोस्तों 2 और 3 चैप्टर क्लियर करेंगे। ठीक है, कृषि से जितना भी ऑब्जेक्टिव बनेगा आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगा। और दोस्तों, आपको 3 चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव है निर्माण उद्योग है। ठीक है दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 जियोग्राफी का निर्माण उद्योग है, इससे भी जितना रिलेटेड ऑब्जेक्टिव रहेगा आज ही की इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आप लोग ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए, अगर आप लोग भी 2023 एग्जाम में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर 2 जियोग्राफी यानी भूगोल का चैप्टर 2 से आपका ऑब्जेक्टिव शुरू हो रहा है। अगर अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें कौन सी रबी फसल, रबी की फसल है। ठीक है दोस्तों, रबी की फसल है तो आप लोग का पहला ऑप्शन दिया हुआ है चावल है, कपास है, मोटे अनाज यानी चना है। ठीक है, डी में चना दिया हुआ है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, तो आप लोग कृषि का पहला क्वेश्चन देख चुके हैं और इसका आंसर भी मैं दोस्तों आप लोग को बता दे रहा हूँ। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो रबी फसल किसे बोलते हैं, चना को, गेहूं को। ठीक है, अभी इसमें गेहूं नहीं दिया हुआ है, या तो चना देगा या तो गेहूं देगा, ये दोनों ऑप्शन में से राइट आंसर होगा। ठीक है, रबी यानी कि गर्मी में जो आपको फसल उगता है उसको हम क्या बोलते हैं, रबी फसल। चलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए 2 नंबर देखेंगे क्वेश्चन दोस्तों, किस फसल को उजाला सोना कहा जाता है। ठीक है, उजाला सोना कहा जाता है। देखिए, पहला ऑप्शन दिया है गन्ना, बी में कपास, सी में जूट और डी में क्या है दोस्तों, चाय। डी में क्या है, चाय। तो दोस्तों आपको बताना है किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। तो दोस्तों आपका सामने ऑप्शन दिया हुआ है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कपास को दोस्तों हम लोग उजाला सोना भी कहते हैं क्योंकि कपास उजला उजला उसमें से निकलता है। चलिए देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है, किस फसल को सुनहरा रेशा को कहा जाता है। ठीक है, सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया है जूट को कहा जाता है, या तंबाकू को, या कपास को, या डी में दिया हुआ दोस्तों रबर को। तो 3 नंबर का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, जूट को सुनहरा रेशा भी कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में कौन उस कृषि यानी प्रणाली को दर्शाता है। ठीक है, जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। दोस्तों, रोपण कृषि, बागवानी कृषि, ठीक है, गहन कृषि या स्थानांतरित कृषि। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन बता चुके हैं, तो 4 में से आपका 4 का राइट आंसर आपको चुनना है, सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो आपका 4 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, शुष्क कृषि में निम्नलिखित में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। पहला ऑप्शन दिया है रागी, बी में है दोस्तों मूंगफली, और सी में है दोस्तों ज्वार, और डी में है दोस्तों गन्ना। तो अगर आप लोग इस वीडियो को यानी ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे। अगर आप लोग ये वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने का आपका कोई पैसा नहीं, चार्ज नहीं लगता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो आप लोग 5 का करेक्ट आंसर देखिए बताइए कमेंट में। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गन्ना। ठीक है, गन्ना इज राइट आंसर होगा, आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। देखिए दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है दोस्तों, जो भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें दोस्तों सबसे ज्यादा चाय यानी कि वहां से चाय उगाया जाता है, चाय का खेती सबसे ज्यादा किया जाता है। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चाय जहाँ उगाया जाता है सबसे ज्यादा, उस राज्य को नाम बताना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों
पश्चिम बंगाल, बी में असम, सी में दोस्तों हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और डी में है दोस्तों तमिलनाडु। इसका राइट आंसर दोस्तों सिक्स का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। असम में सबसे ज्यादा खेती किया जाता है, यानी चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चलिए आगे देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, 7 नंबर देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, चावल की खेती मुख्य रूप से होती है, देखिए काली मिट्टी में या जलोढ़ मिट्टी में, पर्वतीय मिट्टी में या लाल मिट्टी में। तो दोस्तों चावल की खेती जो होती है ना, इसका राइट आंसर बहुत ही आसान आंसर है, इसका जलोढ़ मिट्टी में होती है। ठीक है दोस्तों, चावल की खेती जलोढ़ मिट्टी। आगे देखेंगे दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है दोस्तों, चाय का खेती करने में, चाय को उगाने में, ठीक है दोस्तों विश्व में भारत का कौन सा स्थान है तो बताना है, प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है, तृतीय स्थान है या चौथा स्थान है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 8 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, दूसरा स्थान, द्वितीय स्थान है, विश्व में भारत में दूसरा स्थान में चाय उगता है। चलिए ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, रबी की फसल पैदा होती है। ठीक है दोस्तों, रबी की फसल पैदा होती है, पहला जाड़े में, वर्षा में, गर्मी में, और डी में दोस्तों सभी मौसम में। तो दोस्तों रबी की फसल सिर्फ रबी माने की गर्म होता है, ठीक है, तो गर्मी में ही आपका इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे, गर्मी में रबी फसल पूछेगा कौन कौन है तो आपको बता ही दिए, गन्ना, और गन्ना बोल रहे हैं दोस्तों, सॉरी इसके लिए दोस्तों गेहूं, चना, ये सब जो जो होता है गर्मी में, जो जो फल जो भी उगता है दोस्तों उसको रबी फसल जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को मालूम ही होगा कौन कौन सा ज्यादा फसल गर्मी में होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है, जूट किस जलवायु का पौधा है। ठीक है, जूट किस जलवायु का पौधा है। आगे देखिए, शीत जलवायु, शीत और आर्द्र जलवायु, सी में दोस्तों उष्ण और आर्द्र जलवायु, डी में क्या है दोस्तों उष्ण जलवायु। ठीक है, तो आपका 10 नंबर का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, उष्ण और आर्द्र जलवायु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है। ठीक है, अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है। तो पहला ऑप्शन देखिए चाय, बी में कहवा, और डी में क्या है दोस्तों गन्ना, और डी में दोस्तों तंबाकू, और सी में है दोस्तों गन्ना। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 11 का जो आपका राइट आंसर होगा ना दोस्तों, 11 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, कहवा जो है अरेबिका किस फसल की उत्तम है। तो दोस्तों उत्तम किस्म है तो कहवा की। चलिए आगे बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है, पहला स्थान है, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान या चौथा स्थान। तो दोस्तों 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, दूसरा स्थान है। ठीक है, भारत में चावल का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है, और चाय का भी दूसरा स्थान है। चलिए आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है, ठीक, उत्पन्न करता है। आप लोग ध्यान देखेंगे 13 नंबर आपको देखेंगे दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया हुआ हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, और डी में है दोस्तों मध्य प्रदेश। तो दोस्तों 13 का जो राइट आंसर होगा ना दोस्तों, 13 का आपका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। चलिए आगे देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है, पहला स्थान है, बी में है दोस्तों दूसरा स्थान, सी में तीसरा स्थान, और डी में क्या है चौथा स्थान। तो दोस्तों 14 का जो राइट आंसर होगा ना, 14 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, दूसरा स्थान। चलिए गेहूं का भी, विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, गेहूं, चावल और आपको हो जाएगा चाय, जो जो ये तीन है दोस्तों दूसरा स्थान है भारत का। चलिए आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है। ठीक है, जूट उत्पादक राज्य, पहला ऑप्शन देखिए पश्चिम बंगाल, बी में है दोस्तों कर्नाटक, और सी में क्या है असम, और डी में क्या है दोस्तों उड़ीसा। तो सबसे ज्यादा जूट उत्पाद कहाँ होता है दोस्तों, कौन सा राज्य में, 15 नंबर का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, पश्चिम बंगाल इज करेक्ट आंसर। चलिए देखेंगे
16 नंबर क्वेश्चन, इसका 16 नंबर क्वेश्चन है। अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों सभी विषय का आपका तैयारी, संपूर्ण तैयारी करा दिया जाएगा सभी विषय का, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए 16 नंबर देखेंगे दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन सा है। देखिए खरीफ फसल, खरीफ फसल का आपका मतलब बता देते हैं, खरीफ माने कि जाड़ा वाला फसल, ठीक है, यानी कि शीत वाला। चलिए यानी कि आपको दिखाएंगे जाड़ा में कौन कौन सा खरीफ फसल। देखिए गेहूं, सरसों, चावल या मटर। दोस्तों ये देखिए 12 में और 21 में लगातार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो 16 का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो जूट खरीफ फसल कब होता है, चावल, यानी कि शुरुआती बरसात से ही स्टार्ट हो जाता है और जाड़ा में तैयार होता है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ठंडा का मौसम में यानी खरीफ फसल तैयार होता है, तो चावल इज राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे, आगे देखें दोस्तों आपका 17 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। 17 नंबर क्वेश्चन है, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, ठीक है, जलवायु का पौधा है। देखिए 18 के कंपार्टमेंटल में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो पहला ऑप्शन देखिए उष्ण, बी में है दोस्तों शीतोष्ण, और डी में क्या है दोस्तों उष्ण आर्द्र, और डी में है उष्ण शुष्क। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 17 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। क्या होगा, डी होगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों चावल क्या है, चावल है तो चावल देखिए खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ऊपर में बता चुके हैं चावल क्या है, तो दोस्तों चावल खरीफ फसल है। चलिए आगे देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, काली मिट्टी उपयुक्त है, काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए या बाजरा के लिए। तो ये क्वेश्चन आपका दोस्तों 2019 एग्जाम में पूछा हुआ है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी 2023 के एग्जाम, बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो आप लोग ये चैनल पर बने रहिए, आपका सभी विषय का तैयारी, संपूर्ण तैयारी करा दिया जाएगा। अभी आज की इस वीडियो जियोग्राफी यानी भूगोल का जितना भी कृषि से महत्वपूर्ण है, और अगला चैप्टर, 3 चैप्टर भी इसी वीडियो में क्लियर होने वाला है, तो आप लोग अंत तक जरूर बने रहिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कीजिए। तो दोस्तों 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, काली मिट्टी के लिए उपयुक्त है, तो दोस्तों कपास के लिए। चलिए आगे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। देखिए ये भी 2019 के सेकंड टर्म एग्जाम, एनुअल एग्जाम में पूछा है, कार्बोहाइड्रेट, बी में है दोस्तों प्रोटीन, डी में क्या है विटामिन डी, और डी में दोस्तों वसा, ठीक है। आप लोग ऑप्शन को ध्यान से देंगे देखेंगे कि 20 का आपका जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, प्रोटीन। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है। ये भी देखिए दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है, ज्वार है, धान है, गेहूं है या जूट है। दोस्तों आपको हम रबी फसल, खरीफ फसल बता चुके हैं, तो इसका 21 का जो राइट आंसर होगा ना, 21 का आपका गेहूं इज राइट आंसर होगा। चलिए आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि कृषि चैप्टर यानी भूगोल, भूगोल का 2 नंबर चैप्टर में आपका ऑब्जेक्टिव कितना सही हुआ। दोस्तों आज के इस वीडियो में 23 ही है, 30 कृषि चैप्टर से 23 ऑब्जेक्टिव आपका रूबरू करा दिए, ठीक है। देखिए 21 नंबर हो गया दोस्तों, अब चलिए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है, रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, और दोस्तों दिया है जनवरी, फरवरी। 2019 के कंपार्टमेंटल पूछा है, रबी का फसल कब बोया जाता है दोस्तों, तो आपको मालूम ही होगा इस अक्टूबर नवंबर से बोया जाता है। चलिए आगे देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी व्यावसायिक बैंक फसल, व्यावसायिक फसल नहीं है, ठीक है दोस्तों, गन्ना, जूट, तंबाकू या दोस्तों गेहूं। तो दोस्तों 19 के कंपार्टमेंटल में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 23 का जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, गेहूं। चलिए आपको मिलाते हैं 3 नंबर चैप्टर से। तो दोस्तों इसमें 24, 25, 27 जो है क्वेश्चन छूट गया था, तो दोस्तों आपको बता दे रहे हैं 27 क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, तो आप भूल के वजह से ये 24, 25, 26 क्वेश्चन छूटने जा रहा था, तो आपको ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, कृषि से ही है। तो देखिए दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में कौन सा
रोपण फसल नहीं है। देखिए 2021 के सेकंड टर्म एग्जाम में आया हुआ है। तो दोस्तों जो आपका 24 का जो राइट आंसर होगा ना दोस्तों, 24 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, गेहूं। चलिए आगे देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। देखिए भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, 2021 के सेकंड टर्म एग्जाम में आया हुआ है। दोस्तों पहला ऑप्शन दिया हुआ है गेहूं, मकई, जौ या धान। तो दोस्तों 25 का जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। क्या होगा? 25 का राइट आंसर डी होगा। देखिए 21 में यह भी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, ध्यान चल। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में कौन सी खरीफ फसल है, ठीक है, खरीफ फसल है, गेहूं है, चना है, मटर है या कपास है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 26 का आपका डी इज राइट आंसर होगा। क्या होगा? कपास इज राइट आंसर होगा। चलिए 27 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। 27 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास है, धान का एक प्रकार है, धान का एक प्रकार है ओस, अमन, बोरो या इनमें से सभी, यह भी 22 में पूछा हुआ है। तो 27 का जो आपका राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। तो दोस्तों चलिए आपको मिलाते हैं दोस्तों 3 नंबर चैप्टर से। तो दोस्तों देखिए हम 3 नंबर चैप्टर को लेकर आ चुके हैं। 3 नंबर चैप्टर है दोस्तों जियोग्राफी का निर्माण उद्योग। क्या है दोस्तों? निर्माण उद्योग। अगर आप लोग भी अभी तक पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हुए हैं तो दोस्तों पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बन चुका है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया रहेगा आपका, वहां से देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं पहला चैप्टर। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में 2 चैप्टर क्लियर हो गया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारे पास है 3 नंबर चैप्टर का। देखिए देश में कितने विदेश आर्थिक क्षेत्र विकसित है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। 2018 के फर्स्ट टर्म एग्जाम में आया हुआ है। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? देखिए 10, 7, 15 या 5। तो दोस्तों 3 नंबर का आपका जो राइट होगा ना, पहला का जो राइट होगा ना दोस्तों, 3 चैप्टर का पहला क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों बी होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 7। ठीक है, 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? ठीक है, 21 के फर्स्ट टर्म एनुअल एग्जाम में आया हुआ है, बिहार में है, पश्चिम बंगाल, केरल या उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 2 नंबर का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, पश्चिम बंगाल। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास है, पारादीप पत्तन, ठीक है, किस राज्य में स्थित है? आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कैसा पढ़ाई हो रहा है। तो आप लोग दोस्तों जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है, आप लोग कमेंट करेंगे तभी मालूम चलेगा कि कितना अच्छा पढ़ाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन देखेंगे दोस्तों इसका, उड़ीसा, बी में है दोस्तों कर्नाटक, सी में केरल और डी में क्या है? तमिलनाडु। तो दोस्तों 3 नंबर का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। क्या होगा? ए इज राइट आंसर, उड़ीसा। चलिए 4 नंबर देखेंगे दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? ठीक है, पश्चिमी तट पर स्थित है, कांडला, बी में है दोस्तों चेन्नई, सी में है पारादीप और डी में क्या है दोस्तों? विशाखापट्टनम। ठीक है दोस्तों 4 नंबर का जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। क्या होगा? ए इज राइट आंसर, कांडला। चलिए 5 नंबर देखेंगे दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? पहला ऑप्शन देखिए बाजार, बी में है जनसंख्या, सी में है पूंजी और डी में क्या है दोस्तों? ऊर्जा। डी में क्या है? ऊर्जा। तो 5 नंबर का आपका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं दोस्तों, आप लोग 5 का कमेंट कीजिए। 5 का आपका राइट आंसर देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, जनसंख्या। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में कौन सा सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नांकित में से है? देखिए यहाँ पर नाम दिया हुआ है कंपनी का, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी, बी में दोस्तों टाटा लोहा इस्पात कंपनी और डी में, सी में है दोस्तों बोकारो स्टील कंपनी और डी में है श्वेत सैयरैया लोहा और इस्पात उद्योग। ठीक है, सौरैया। ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर देख लीजिए 2020 के फर्स्ट टर्म एग्जाम आया हुआ है। तो दोस्तों 6 का जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर, देखिए दोस्तों 6 का जो राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, टाटा उद्योग इस्पात कंपनी। चलिए आगे देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि देखिए 2021 के सेकंड टर्म एग्जाम में आया हुआ है। पहला ऑप्शन है मुंबई एक पतन, ठीक है, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट और सी में दोस्तों मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी और डी में क्या है उपयुक्त सभी। तो 7 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 7 का डी इज राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से ठीक है कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। ये देखिए कितना वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, ठीक है, लगातार ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग ये इसको मिस ना करेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे। दोस्तों सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी या जूट, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 8 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित है। चलिए आगे देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, हुबली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो पहला ऑप्शन दिया कोलकाता रिसड़ा, ठीक है, और बी में दिया दोस्तों कोलकाता कोनारी, और सी में है कोलकाता मेदिनीपुर और डी में क्या है कोलकाता हावड़ा। तो इसका राइट आंसर 9 का जो राइट आंसर होगा ना दोस्तों, 9 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों ये वाला 2019 के सेकंड फर्स्ट टर्म में आया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है जेके सीमेंट उद्योग, ठीक है, बी में है दोस्तों टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी, ठीक है, सी में बोकारो लौह इस्पात उद्योग और डी में क्या है रेमंड कृषि वस्त्र उद्योग। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 10 नंबर का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। क्या होगा, सी इज राइट आंसर, बोकारो लौह इस्पात उद्योग। आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 10 का सी। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन से मिलाते हैं। तो दोस्तों देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है। यह भी बहुत ही स्टार क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, देख लीजिए आपके सामने है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए देखिए पेट्रो रसायन, बी में है दोस्तों लौह अयस्क, सी में है चितरंजन लोकोमोटिव और डी में क्या है चीनी उद्योग। तो इसका जो 11 का राइट आंसर होगा ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर चीनी उद्योग यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है। यह देखिए कितना बार आया हुआ है, चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग या विद्युत उपकरण उद्योग। इसका राइट आंसर होगा ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, ठीक है, खिलौना उद्योग। चलिए आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है दोस्तों, किस गैस का रिसाव हुआ था। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, बी में दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड, सी में है मिथाइल आइसोसोनाइट और डी में क्या है दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर जो 13 का होगा ना, 13 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, सी इज राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ये वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए दोस्तों, ठीक है, ऐसा वीडियो बनाने में आप लोग का बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आप लोग जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए, लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आप लोग को हर समय आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा वीडियो का। देखिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूरभाषा कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है। पहला ऑप्शन देखिए स्टील और बी में है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक और सी में है एल्यूमिनियम और डी में क्या है दोस्तों लोहा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 का। 14 का जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इज राइट आंसर। चलिए 15 नंबर देखेंगे। तो दोस्तों देखिए 15 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें कौन सा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए ठीक है के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला। जमशेदपुर, राउरकेला, बी में है दोस्तों बर्नरपुर और डी में क्या है कुल्टी। तो जो 15 का आपका राइट आंसर होगा ना, 15 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, राउरकेला।
चलिए आगे देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? ठीक है, एल्यूमिनियम, चीनी, सीमेंट, पटसन। 2022 के देखिए दोस्तों, 2012 में आया हुआ। ठीक है, तो इसका 16 नंबर का जो राइट आंसर होगा ना, 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी इज राइट आंसर, सीमेंट। चलिए 17 नंबर देखेंगे, नेपाल नगर प्रसिद्ध है क्या चीज के लिए? चीनी के लिए, सीमेंट के लिए, अखबार यानी अखबारी कागज के लिए, और डी में क्या है? सूती कपड़ों के लिए। तो दोस्तों 19 के सेकंड टर्म एग्जाम में आया हुआ है, तो 17 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है नेपाल नगर। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, मुगाओं बंदरगाह कहाँ है? ठीक है, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। और देखिए 2022 के फर्स्ट टर्म एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। अगर आप लोग को ये इसका क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप लोग जरूर से जरूर बताइए, ये बहुत क्वेश्चन स्टार है। इसका राइट आंसर चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर गोवा होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, निर्माण उद्योग का चैप्टर आप लोग का समाप्त हुआ और कृषि चैप्टर भी आपका समाप्त हुआ। आज की इस वीडियो में आप लोग को दो चैप्टर समाप्त हुआ। ठीक है, तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? महाराष्ट्र, केरला, पश्चिम बंगाल या गुजरात? ये भी 22 के फर्स्ट टर्म एग्जाम में आया हुआ है। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो जरूर से जरूर आप लोग आंसर दीजिए कमेंट में। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क। ठीक है, अगर आप लोग को मालूम है, ठीक है, तो आप लोग का इसका आंसर जरूर से जरूर बताइए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को अंत करते हैं यहीं पर। आप लोग जियोग्राफी का दो चैप्टर इस वीडियो में पढ़ लिए हैं। ठीक है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, 2020 के जितना भी स्टूडेंट हैं आप लोग इस चैनल से जुड़िए, सभी विषय का तैयारी हो जाएगा दोस्तों ऑनलाइन घर बैठे। ठीक है, तो 2023 में, सॉरी दोस्तों 23 है, ठीक है, 2023 में जो जो लोग भी एग्जाम देने वाले हैं उनका ये वीडियो पहुंचा दीजिए और उनके पास शेयर कर दीजिए। थैंक्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।